नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। जनपद आजमगढ़ में उद्यान विभाग के सौजन्य से राष्ट्रीय कृषि विभाग का विकास योजना अंतर्गत 17 व 18 दिसंबर 2020 में दो दिवसीय कृषि गोष्ठी मेले का आयोजन जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में एवं मुख्य अतिथि रोसिंग जिला अध्यक्ष भाजपा के तत्वाधान में किया गया, जहां पर मनोहर सिंह उपनिदेशक उद्यान आजमगढ़ मंडल, मुख्य विकास अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, मुख्य कार्यकारी मत्स्य वन अधिकारी दिनेश सिंह, प्रभारी जिला उद्यान अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र कोटा के वैज्ञानिक कर सैकड़ों कृषि ग्रो इफको किसको आदि विभागों ने स्टॉल लगाए एवं तकनीकी जानकारी उद्यान विभाग में संचालित योजनाओं की जानकारी उपनिदेशक उद्यान मंडल आजमगढ़ द्वारा बताई गई एवं कृषि गणना कृषि भूमि संरक्षण विभाग में संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान कराई गई। मंच संचालन कमला सिंह ने किया। क्या कुछ कहा मुख्य अतिथि ध्रुव सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। आज जो है उद्यान विभाग द्वारा कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें सारे हमारे कृषि संबंधित, जिससे किसानों की आय दुगनी हो सके, सारे विभाग यहाँ पर इस गोष्ठी में उपस्थित हैं। उद्यान विभाग से लेकर कृषि विभाग से लेकर मत्स्य विभाग और अन्य विभाग जो भी उससे संबंधित सब लोग उपस्थित हैं। जो हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इनकी सोच है कि हमारे भारत के किसानों की आय दुगनी हो, और हमारे सारे वैज्ञानिक यहाँ के आजमगढ़ के लगे हुए हैं कि आजमगढ़ के किसान हमारे अपनी आय दुगनी प्राप्त कर सकें। उसके माध्यम से तमाम यहाँ वैज्ञानिक आए हुए हैं और किसानों की गोष्ठी है। किसानों को अपना मंत्र दे रहे हैं कि किस प्रकार से किसान हमारे आजमगढ़ के प्रगतिशील किसान बनेंगे, कैसे इनका विकास होगा, उसी के संबंध में ये आज गोष्ठी है। इस गोष्ठी में हम सब उपस्थित हैं। हम अपने उद्यान विभाग के अधिकारी का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि वो एक अच्छी गोष्ठी करा करके और किसानों को सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनको लाभ दिलाने के लिए उस योजना के बारे में आज यहाँ बताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।